के अंदर भयंकर अशांति फैली हुई है। एक निर्माण का कसूर यह था कि वो अपने क्षेत्र की भोली भोली दोनों गांव से निवेदन है कि कलेक्टर का एक गेट खाली कर दिया जाए। सामने विराजना का निर्माण के हत्यारों को गिरफ्तार करने के बाद में भी यदि अभी तक कोई चालान पेश नहीं हुआ, बुद्धिमानों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको लेकर के पाटन जिले के किसानों में भारी आक्रोश है। श्रीमान जी से निवेदन है कि राज्य सरकार से जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ABC भी है। आज से करीब 18 महीना पहले बीरमा राम करके एक किसान है, उसने वहाँ के जो प्रभावशाली सरपंच है उसकी शिकायत की थी फर्जी डिग्री के मामले को लेकर के। तो फर्जी डिग्री के मामले में उनका चालान हो गया था कोर्ट में साबित होकर के, उसकी वजह से वो बीरमा राम से, वो सरपंच पति और वो लोग जो थे मुलजिम, वो उसे दुश्मनी रखते थे। इसी वजह से बीरमा राम पे जब ये मोटरसाइकिल से दो जने आ रहे थे तब इन पे जानलेवा हमला किया। 18 महीना तक ये हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहा बीरमा राम, और 18 महीना तक पुलिस ने HSO बाका साहब ने तफ्तीश की, उन्होंने 5 जनों को मुलजिम माना। उसके बाद में मुलजिम पार्टी क्योंकि प्रभावशाली है और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसकी वजह से उन्होंने तफ्तीश बार बार चेंज कराते रहे। बाका सर HSO की जांच के बाद में इन्होंने चौटन DYSP से जांच कराई, उसके बाद में बालोतरा एडिशनल SP जसाराम बोस से तफ्तीश करवाई, उसके बाद में आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जांच दी और फलौदी के DYSP से जांच कराई, सांचौर के DYSP से बात करवाई, जांच करवाई। 5 IO ने जांच की इस प्रकरण के अंदर, 5 IO ने इन 5 मुलजिमों को दोषी पाकर के इनका चालान पेश करने की नौबत आई, लेकिन इस दौरान उन्होंने फिर अप्रोच की और जांच CIDCB के अंदर ट्रांसफ़र करवा दी। वहां पे वो ठंडे बस्ते में पड़ी थी, इस दौरान बीरमा राम की मृत्यु हो गई जोधपुर हॉस्पिटल के अंदर। तब हमने वहां पे डेड बॉडी को रोका और प्रशासन से न्याय की और सही जांच की बात की। तब वहां पे मेडिकल बोर्ड से जांच हुई और मेडिकल बोर्ड ने ये पाया कि इसी घटना के बदौलत जो घटना मुलजिमों ने इनको कारित की है, इसी की वजह से बीरमा राम की मृत्यु हुई है। वो मेडिकल ओपिनियन उसी समय हमको मिल गई थी, उसके बाद में हमने डेड बॉडी को वहाँ से घर ले आए और मुकदमा 302 में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था CIDCB के एडिशनल SP और जांच अधिकारी उस समय जोधपुर हॉस्पिटल में मौजूद थे, लेकिन अभी तक 302 के अंदर हुआ कि नहीं हुआ उसकी हमको जानकारी नहीं मिल रही है आज 10 दिन बाद भी। और इसमें IO कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कौन IO जांच कर रहा है, क्योंकि पहले एडिशनल SP और DYSP लेवल के अधिकारियों ने जांच की है, तो अब चूंकि उसी रैंक का तो कम से कम अधिकारी जांच करे, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें नहीं मिल रही है। बाड़मेर जिले के अंदर किसानों के अंदर इस घटना को लेकर के भारी आक्रोश है। आज हजारों की तादाद के अंदर किसान वर्ग के लोग या बाड़मेर के अंदर इकट्ठे हुए, धरना प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला, लेकिन अभी तक अगर ये मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करते तो बाड़मेर ज़िले के अंदर आक्रोश बढ़ेगा और बाड़मेर ज़िले के किसान एक बार पुनः भारी तादाद पे हड़ताल प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो मुलजिमान साबित हो चुके हैं 302 के अंदर, उनका चालान किया जावे और उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जावे, यही हमारा निवेदन है। कलेक्टर साहब से हम पहले भी मिले हैं, SP साहब से भी मिले हैं, आज भी मिले हैं। इन्होंने कहा कि क्योंकि जांच CIDCB कर रही है तो हम आपकी बात के जयपुर पहुंचा देंगे सरकार तक, यही आश्वासन हमको दिया है और जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, आश्वासन दिया है। कोई बता रहा है कि क्या हो रहा है, इस वजह से हमको केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको पता नहीं है। अल्टीमेटम हमने दिया है कि अगर
मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 10 दिन बाद में हम पुनः एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की और राज्य सरकार की होगी।